usamos, Clara. Agarren la pierna. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जो कि डिस्टर्बिंग होने के साथ साथ हॉरर और स्लैशर मूवी भी है। इस मूवी का नाम है लूसिफेरिना और ये एक स्पेनिश मूवी है। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स है, लेकिन ये मूवी एंड में एक ऐसा मोड़ लेती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। साथ ही आपको वीडियो के एंड में मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आपको लगेगा कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मूवी है। तो अब आइए वीडियो आगे बढ़ते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक माँ की कोख में बन रहे एक बच्चे को देख पाते हैं, साथ ही हमें किसी मंत्र की आवाज भी सुनाई देती है। सीन ये से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक 19 साल की लड़की नटैलिया को देखते हैं जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। नटैलिया जब किचन में होती है तो उसे एक अजीब सा लड़का लुकस दिखाई देता है। वो उसके पास में आता है और नटैलिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो, लेकिन नटैलिया कहीं नहीं जा रही थी। तो उसे लुकस की बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी लुकस उसे अपना लॉकेट देता है और ये कहता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। नटैलिया को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उस लॉकेट को अपने पास में रख लेती है। फिर अब नटैलिया को चर्च की सुपीरियर नन बुलाती है और कहती है कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि नटैलिया के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और नटैलिया का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि नटैलिया 2 साल पहले अपने घर से भागकर इस चर्च में आ गई थी। नटैलिया अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुपीरियर नन उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ पर नटैलिया को एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है और नटैलिया वहाँ पर मौजूद ननों के पीछे एक सफेद से रोशनी को भी देखती है। दरअसल नटैलिया को अक्सर ऐसा होता था और इसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब नटैलिया चर्च से अपना सामान लेकर अपने घर की ओर निकलती है जो कि दूर शहर में था। अब रास्ते में उसकी बस में ही नींद लग जाती है और उसे सपने में एक डरावनी सी औरत नजर आती है जिससे कि वो जाग जाती है। नटैलिया फिर शाम को अपने घर पर पहुंचती है और वो अपने घर पर अपनी बड़ी बहन एंजेला के बॉयफ्रेंड माउरो को देखती है जो कि नशे में धुत था। वो उसे बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ के फ्यूनरल के काम से गई है। नटैलिया के पिता उस हादसे में बच गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर नटैलिया अपने पिता से मिलने के लिए ऊपर एटिक में जाती है जहाँ पर उन्हें एटिक में रखा गया था। वहाँ पर एंजेला भी आ जाती है और नटैलिया को बताती है कि उनकी माँ ने अपने हाथ को काट लिया था और जब उनके पिता उनकी माँ को बचाने गए तो उनकी माँ ने उनके पिता के ऊपर भी अटैक कर दिया जिसके बाद में उनकी हालत हो गई है। नटैलिया वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को भी देखती है जो कि बिल्कुल उसी शेप में थी जैसा कि उसने सपने में उस औरत को देखा था। एंजेला बताती है कि उनकी माँ और पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे, वो हमेशा इस एटिक में ही रहा करती थी और उसकी माँ की मौत के बाद में उनके पिता भी शौक में चले गए थे। वो ना तो ठीक से बोल पाते थे और ना ही इस एटिक से बाहर आना चाहते थे। एंजेला अब अपने दोस्तों के साथ में इस घर से जाने वाली थी। वो नटैलिया को कहती है कि वो ही अब उसके पिता का ध्यान रखे क्योंकि पिछले 2 सालों से वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। तब नटैलिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कोई था जो कि उसे हर वक्त यहाँ पर दिखाई देता था। एंजेला भी इस बात को मानती है और कहती है कि उनकी माँ के साथ में जो हुआ वो पहले तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 महीनों से वो भी पजेस हो गई थी और ये कहकर एंजेला वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अब नटैलिया अपनी बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब वो अपने होशो आवाज को खो देती है और एक नन होने के बावजूद भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रही थी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो अपने होश में आती है। उसे फिर बाथरूम में बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं और वो जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में नटैलिया देखते हैं कि नीचे एंजेला के दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। नटैलिया वहां से गुजरती है तो माउरो उसे सिगरेट ऑफर करता है। एंजेला माउरो को कहती है कि वो नटैलिया को तंग न करे। फिर माउरो नटैलिया से पूछता है कि क्या सभी नन सच में वर्जिन होती है और क्या नटैलिया भी वर्जिन है, जिसके जवाब में नटैलिया उसे हाँ कहती है। सभी दोस्त नटैलिया का मजाक उड़ा रहे थे और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना करती है, तो इसलिए माउरो उसे धक्का दे देता है। वहां पर मौजूद एबेल माउरो को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन माउरो उसे भी पीटता है, लेकिन एबेल उसे एक जोरदार पंच मार देता है और माउरो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एबेल की घड़ी में एक अलार्म बजता है और वो पिल को खा लेता है जो कि उसे शांत रखती थी। अब यहाँ पर एंजेला गार्डन में बैठी हुई थी और नटैलिया वहां पर आकर उसके घावों को साफ करती है। एंजेला फिर नटैलिया को कहती है कि जब वो उन्हें छोड़कर चली गई थी तो एंजेला प्रेग्नेंट हो गई थी
उसे नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और उसे 3 महीनों के बाद इसके बारे में पता चला था। वो अकेली एक नर्स के पास में अबॉर्शन करवाने गई थी, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसके अबॉर्शन के बाद से ही उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और वो अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगी थी। एंजेला को ये भी पता लगा था कि वे दोनों उनके असली पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए एंजेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक राइट को परफॉर्म करने के लिए एक जंगल में जाने वाली थी। वहाँ पर एक पवित्र जड़ी बूटी पाई जाती है, जिससे कि उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। वो नटालिया को भी कल उनके साथ में चलने को कहती है, लेकिन नटालिया उनके साथ में नहीं जाना चाहती थी। फिर अब नटालिया यहाँ पर एंजेला और उसके दोस्तों के पीछे भी उसी सफ़ेद रोशनी को देखती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नटालिया अपने पिता के पास एटिक में सोने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ के द्वारा बनाई पेंटिंग को देखती है और ये पेंटिंग उसके लॉकेट जैसे दिखाई दे रही थी और दोनों ही किसी फीमेल के यूट्रस जैसे दिख रहे थे। फिर नटालिया वहाँ की लाइट बंद करके वही सोफे पर सो जाती है। नटालिया सपने में एक गार्डन में होती है, जहाँ पर कुछ स्टैचू बनी हुई थी। साथ ही नटालिया के पीछे वही औरत फिर से उसी पोजिशन में खड़ी हुई थी और हर बार वो नटालिया की ओर नज़दीक आ रही थी। फिर अचानक से वो औरत नटालिया के पास में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि नटालिया की नींद खुल जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके सामने उसके पिता थे, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे और उसके सामने ही उठ खड़े हुए थे। अब नटालिया को कबर्ड के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जब वहाँ पर चेक करती है तो उसके पीछे से कई सारे कीड़े निकलते हैं और अचानक से वो औरत फिर से उसे डरा देती है। अब जैसे तैसे रात गुजरती है और अगली सुबह नटालिया फिर से उसी कबर्ड को देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर अचानक से वहाँ पर एंजेला का बॉयफ्रेंड माउरो उसके पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो नटालिया को यहाँ वहाँ टच कर रहा था, क्योंकि वो नटालिया का रेप करना चाहता था। लेकिन अचानक से वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है। माउरो नटालिया को धमकाता है कि अगर एंजेला को उसने कुछ बताया तो वो एंजेला को मार डालेगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एंजेला अपने दोस्तों के साथ राइड के लिए जाने वाली थी और एंजेला का ध्यान रखने के लिए नटालिया अपने पिता को नर्स के सहारे छोड़कर एंजेला के साथ जाने का डिसाइड करती है। नटालिया फिर एंजेला के दोस्तों के साथ में कार में बैठ जाती है और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड माउरो के साथ में बाइक पर चली जाती है। यहाँ पर कार में एबेल, मारा और ओसवाल्डो थे और सभी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस राइड में जाना चाहते थे, और इन परेशानियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कार में ओसवाल्डो बताता है कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक शमन यानी कि एक कुजा है, जो कि जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों की आत्मा को ट्रीट करता है। फिर सभी जंगल के बीच बनी एक आइलैंड जैसे जगह पर आ जाते हैं। ओसवाल्डो बताता है कि पहले ये जगह एक एबी हुआ करती थी, जहाँ पर नन और सिस्टर रहती थी। फिर यहाँ की ननों ने इलीगल काम जैसे कि अबॉर्शन करना चालू कर दिए थे, तभी से उन्हें यहाँ से भगा दिया गया और ये जगह खाली है, और अब यहाँ पर शमन अपना राइट करते हैं। ये चारों तो इस जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पर अभी भी एंजेला और माउरो नहीं पहुंचे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। उन लोगों को दूर से कोई देख भी रहा था, लेकिन इसके बारे में उन सभी को नहीं पता था। अब नटालिया खुद आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती है, और ये वही जगह थी जो कि उसके सपनों में आया करती थी। दरअसल ये कब्र थी जो कि क्लारा नाम की एक औरत की थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है, जो उसे ये कहकर जाती है कि वे सही काम के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अब नटालिया वहाँ से निकलकर एक चर्च तक आ जाती है। वहाँ पर फिर एबेल भी आता है और वो नटालिया को बताता है कि उसका भाई भी एक प्रीस्ट है। तभी एबेल की घड़ी का अलार्म फिर से बजता है और फिर से एक पिल खाता है। नटालिया के पूछने पर वो बताता है कि वो भी उसकी तरह वर्जिन है, क्योंकि जन्म से ही उसे सेरेब्रल पैरालिसिस है। वो इसी की दवाई खाता है। वो ये भी बताता है कि ओसवाल्डो को ऐसा कहना है कि यहाँ पर आने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब नटालिया भी एबेल को बता देती है कि उसे भी जन्म से कुछ ऐसा ही होता है। उसे लोगों के पीछे कुछ देर के लिए एक रोशनी दिखाई देती है और कुछ देर तक वो अंधी भी हो जाती है। ये लाइट कभी सफ़ेद होती है तो कभी डार्क। तभी वहाँ पर उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, जिनके साथ में वे सभी चल देते हैं। फिर सभी उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शमन वो राइड करने वाला था। वे लोग देखते हैं कि एंजेला और माउरो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। माउरो गुस्से में था क्योंकि शमन ने उसे शराब पीने से मना किया था। वो एंजेला की पिटाई भी करता है और जब सभी उसे रोकते हैं तो माउरो उन्हें चाकू दिखाकर धमकाता है, और तब मारा अपने बैग से गन निकालती है और उसे वहाँ से जाने को कह देती है। जिसके बाद में अब सभी लोग उस खंडहर में आ जाते हैं जहाँ पर शमन उन्हें राइड के लिए बुलाता है। फिर नटालिया एंजेला को अपना लॉकेट देती है, जिसे वो नहीं पहनती है,
और तब एबल राइट से पहले नटैला को अपनी घड़ी पहनाता है जो कि उसे असली दुनिया से जोड़े रखेगी। बदले में नटैला भी उसे अपना वही लॉकेट दे देती है। यहाँ पर राइट वाली जगह पर शमन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो कहता है कि जो भी इस राइट में शामिल नहीं होना चाहता है वो अभी भी यहाँ से चले जाए। फिर सभी वहाँ पर मोमबत्ती के बीच बने एक गोले में जाकर बैठ जाते हैं। नटैला यहाँ पर शमन के पीछे भी उसी सफेद लाइट को देखती है, जिसके बाद में शमन अब उन सभी लोगों को उस पवित्र जड़ी बूटी का जूस पिलाता है। सभी लोग एक एक करके उस रस को पीते हैं और अपने गोले में आकर लेट जाते हैं। शमन फिर अपना राइट शुरू करता है और मंत्र को पढ़ने लगता है। मंत्र के साथ साथ सभी उल्टियां भी करते हैं और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे। नटैला अब वहां से जाना चाहती थी, लेकिन शमन का आदमी उसे वहां से जाने से रोकता है। फिर नटैला को एक औरत के विजन आ रहे थे, जिसमें उस औरत के हाथ में एक नवजात बच्चा था। एंजेला को भी कुछ ऐसे विजन आ रहे थे जिसमें वो एक डरावनी औरत को देखती है। फिर शमन नटैला को फिर से उसे जड़ी बूटी का रस पिलाता है, जिससे कि वो अपने सामने एक आदमी को बकरे का सर पहने देखती है। और उस जगह भी एक डेमोनिक रिचुअल चल रहा था और वहां पर एक प्रेग्नेंट औरत को सेक्रीफाइस किया जा रहा था। हम देखते हैं कि ये आदमी नटैला का पिता है और वो एक बच्चे की डोल को चाकू से मारता है, जिससे कि उस औरत के पेट में भी चोट लगने लगती है। नटैला फिर वहां से भागकर एक चर्च में पहुंचती है, जहां पर मौजूद सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुन पाती है। तभी वहां पर वही औरत मदद मांगती हुई पहुंचती है, जहां पर सिस्टर उसे एक टेबल पर लिटाकर उसके बच्चे की डिलीवरी करने में उसकी मदद कर रही थी। ये औरत अपना नाम क्लारा बताती है, जिसकी कब्र नटैला ने अपने सपने में देखी थी। मतलब कि ये नटैला का एक विजन था जो कि पहले ही घट चुका था। इधर सिस्टर जॉर्जिया क्लारा की मदद कर रही थी। क्लारा सिस्टर को कहती है कि वो उसे मार दे और उसके बच्चे को बचा ले, क्योंकि क्लारा डेविल से पजेस है और डेविल उसके बच्चे के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। सिस्टर क्लारा को बांध देती है और अब डेविल क्लारा के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन फिर भी सिस्टर क्लारा के बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में लगी हुई थी। जब वो सिस्टर क्लारा के कपड़ों को चीरती है तो उन्हें क्लारा के पेट पर एक स्टार का निशान गुदा हुआ दिखाई देता है, जो कि डेविल का साइन था। डेविल क्लारा पर हावी हो रहा था और वो क्लारा की आत्मा को अपने साथ में ले जाना चाहता था। लेकिन सिस्टर क्लारा को कहती है कि उसे अपने बच्चे के लिए डेविल से लड़ना होगा। सिस्टर फिर क्लारा का एग्जोसिस्म करने लगती है, जिससे कि क्लारा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर सिस्टर उसे टेबल से पकड़कर उसे जोर लगाने को कहती है और क्लारा भी अब अपने बच्चे के लिए डेमन से लड़ती है। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद में डेमन फिर से क्लारा की बॉडी में आ जाता है। यहाँ पर डेमन क्लारा के बच्चे पर अपने मांस का टुकड़ा फेंक कर उसे कर्ज करता है। और यहाँ पर अब डेमन रियल लाइफ में नटैला को देख पा रहा था और वो उस मांस को नटैला के ऊपर फेंक देता है। अब यहाँ पर अचानक नटैला की आंख एबेल की घड़ी की आवाज से खुलती है। वो देखते हैं कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं है और अब उसके आसपास भी कोई नहीं था। वहां पर बस सभी के कपड़े पड़े हुए थे। नटैला अपनी बहन एंजेला को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वहां पर मारा दिखाई देती है। मारा के शरीर पर भी कपड़े नहीं थे और उसकी आंखों को किसी ने खा लिया था। मारा के हाथ में गन थी और नटैला को कहती है कि डेविल किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देगा। मारा ये भी बताती है कि उसके पिता ने अपनी जान ले ली थी और इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन डेविल अब चाहता था कि मारा भी उसी की तरह उसके पास में आ जाए। फिर मारा गन को अपने मुंह में डालकर अपनी जान ले लेती है। नटैला अब आगे देखती है कि ओसवाल्डो की भी आंखें डेविल ने खा ली थी और वो भी दर्द में तड़प रहा था। अचानक वहां पर पीछे से मावरो आकर नटैला का मुंह बंद कर देता है और उसे शांत रहने को कहता है। नटैला को ऐसा लग रहा था कि मावरो ने ही उन सभी दोस्तों को मारा होगा, लेकिन मावरो उसे कहता है कि उसे यहाँ से चीखने की आवाजें सुनाई दी थी और जब वो यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर ऐसा नजारा देखा। तभी वे लोग देखते हैं कि शमन के आदमी को भी किसी ने मार दिया है। नटैला वहां से भागकर फिर से राइट वाले कमरे में आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि एबेल शमन के चेयर पर बैठकर एक ड्रम को बहुत ही क्रीपी तरीके से पीट रहा था। एबेल फिर होश में आता है और उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आया है। नटैला फिर वहां पर एंजेला को भी मरा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और एबेल उसे कहता है कि डेमन सभी को यहाँ पर लेकर आया है और अब डेमन उन्हें वहां से जाने नहीं देगा। और इतना कहकर एबेल फिर उस ड्रम को बजाने लगता है। असल में डेविल एबेल के अंदर बचपन से था और एबेल को ऐसा लगता था कि उसे एक बीमारी है। जब भी डेविल उसके ऊपर हावी होता था तो एक दवाई खा लेता था, लेकिन अब एबेल डेविल से पूरी तरीके से पजेस हो गया था। फिर एबेल शमन की डेड बॉडी से उसके सर को उखाड़कर उसे नटैला की तरफ फेंकता है और अब वो नटैला के पास में आकर उसे सूंघता है। डेमन कहता है कि उसे पता है कि वो वर्जिन है और वो अब नटैला का रेप करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर मावरा आ जाता है
और वो एबेल को वहीं पर पीटता है। माउरो को लगता है कि एबेल ने एंजेला को मारा होगा, तो इसलिए माउरो एबेल को पीटने लगता है। लेकिन माउरो को नहीं पता था कि एबेल के अंदर डेमन है, और अब डेमन माउरो के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे भी जान से मार डालता है। फिर मौके का फायदा उठाकर नटैलिया वहां से बाहर भाग जाती है और वो एक पेड़ के पास में आकर गिर जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और नटैलिया को अपने साथ में ले जाती है। फिर अगली सुबह नटैलिया उस औरत को सारी बातें बताती है और तब वो औरत कहती है कि डेमन यहाँ पर नहीं आ सकता। और असल में ये औरत वही सिस्टर जॉर्जिया थी जिसने क्लारा के बच्चे को बचाया था। वो नटैलिया को बताती है कि उसके पिता यहाँ पर डेमन को बुलाने के लिए रिचुअल किया करते थे। वे यहाँ पर बच्चों और औरतों की पली देते थे जिसमें नटैलिया बच गई थी। असल में नटैलिया क्लारा की बेटी थी और नटैलिया के पिता उसके सौतेले पिता थे। नटैलिया फिर सिस्टर जॉर्जिया के पीछे भी उसी लाइट को देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कौन है और क्यों उसे क्लारा अपने सपनों में दिखाई देती है। फिर सिस्टर जॉर्जिया उसे बताती है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर डेविल लेकर आया है और उसे नटैलिया से एक बच्चा चाहिए। सिस्टर आगे कहती है कि एबिल भी एक वर्जिन है और उसके अंदर डेविल बचपन से मौजूद है, वो भी यहाँ से बच गया था और दोनों यहाँ पर अपनी नियति से आए हैं। सिस्टर जॉर्जिया नटैलिया से कहती है कि उन्हें डेविल के आने से पहले एबिल का एग्जॉर्सिस्म करना होगा, जिसके बाद दोनों क्लारा की कब्र से होकर वापस उस राइट वाले जगह पर जाते हैं। दोनों धीरे धीरे खंडर की ओर आगे बढ़ रहे थे जहाँ पर नटैलिया मारा की डेड बॉडी से उसकी गन को उठा लेती है। फिर सिस्टर जॉर्जिया और नटैलिया ये देखते हैं कि एबेल यानी कि डेविल गहरी नींद में सो रहा था। सिस्टर जॉर्जिया चुपके से जाकर एबेल के हाथों को बांध देती है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए एबेल के चारों ओर एक घेरा बना देती है और एक और घेरा वो उसके ठीक बगल में बनाती है जिसके अंदर वे दोनों जाने वाले थे। सिस्टर जॉर्जिया नटैलिया से कहती है कि वो एबेल को पवित्र जड़ी बूटी का रस पिला दे जिससे कि एबेल को कोई भी नुकसान न पहुंचे। नटैलिया भी चुपके से जाकर एबेल को रस पिला देती है, लेकिन उससे डेविल जाग जाता है। डेविल उसके पीछे आता है पर वो सिस्टर के बनाए हुए घेरे से बाहर नहीं आ सकता था। सिस्टर जॉर्जिया अब एबेल का एग्जॉर्सिस्म करने में लगी हुई थी। तब एबेल अपने असली रूप में आ जाता है। वो नटैलिया से मदद मांग रहा था लेकिन डेविल उसके ऊपर बार बार हावी हो रहा था। फिर डेविल अपनी शक्तियों से उस घेरे को जला देता है और नटैलिया से कहता है कि वो वही था जिसने उसकी बहन का रेप करके उसे प्रेग्नेंट किया था और अब वो उसके साथ में भी ये करने वाला है। डेविल इतना ताकतवर था कि वो नटैलिया को दूर से ही कंट्रोल कर रहा था। फिर वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाकर उल्टा कर देता है। सिस्टर जॉर्जिया उसे वही जड़ी बूटी पिलाती है, लेकिन नटैलिया सिस्टर जॉर्जिया को उठाकर एबेल की तरफ फेंक देती है जिससे कि वो घेरा टूट जाता है और डेविल सिस्टर जॉर्जिया को मारकर खा जाता है। सीन कट होता है और अगली सुबह जब नटैलिया की नींद खुलती है तो देखते हैं कि डेविल ने सभी की लाशों को ढेर बना दिया है और वो उनके पास में बैठा हुआ है, लेकिन वो नटैलिया के पास बने दूसरे घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। फिर नटैलिया अपनी शक्तियों से एबेल के अंदर के डेविल को शांत करके एबेल के सोल को वापस लेकर आती है, लेकिन जल्दी डेविल उसके अंदर वापस आने लगता है और एबेल नटैलिया को जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने को कहता है। नटैलिया भी एबेल की बातों को मानकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे जाने से पहले याद आता है कि सिस्टर जॉर्जिया ने उसे कहा था कि वो अपनी किस्मत से कभी भी नहीं भाग सकती है। डेविल उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी। डेविल को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन नटैलिया की असली माँ क्लारा ने अपना सेक्रीफाइस करके उसे जन्म दिया। नटैलिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अब नटैलिया फिर चर्च में जाती है और वहां पर जाकर वो मदर मेरी के सामने अपने कपड़े उतार देती है। फिर वो वहां पर डेविल के आने का इंतजार करती है क्योंकि डेविल ये चाहता था। अब उसे धीरे धीरे डेविल के आने का एहसास होता है। डेविल फिर नटैलिया के पीछे चर्च में पहुंच जाता है। वो भी अपने कपड़ों को उतारता है और नटैलिया के पास में आकर उसका बड़ी बुरी तरीके से रेप करता है। नटैलिया को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो डेविल को हराने के लिए ऐसा कर रही थी। तभी नटैलिया अपने दिए हुए क्रॉस को डेविल के चेस्ट पर लगाती है जिससे कि उसे बहुत ही तकलीफ होती है और उसके अंदर का एबेल सामने आने लगता है, तो इसीलिए नटैलिया डेविल के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। डेविल फिर भी नटैलिया का बुरी तरीके से रेप कर रहा था और नटैलिया डेविल के अंदर दबे हुए एबेल को पुकार रही थी। फिर नटैलिया अपनी शक्तियों से एबेल को वापस ले आती है और अचानक डेविल पूरी तरीके से चला जाता है, जिसके बल में नटैलिया एबेल को किस करती है और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नटैलिया उसी चर्च में गई है जहाँ पर नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वो वहाँ पर दो और नन को बुलाने को कहती है जो कि उसके बच्चे को पैदा करने में उसकी मदद करेंगे। फिर हम नटैलिया के पेट में पल रहे बच्चे को देखते हैं
जिसकी आंखें डेविल की लग रही थी, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, जिसमें हमने नटैले को देखा जो कि अपने घर पर अजीबोगरीब चीजों को होता हुआ देखकर नन बनने के लिए भाग जाती है। नटैले अपने पिता की सौतेली बेटी थी, और नटैले के पिता डेविल के पुजारी थे, और वो डेविल को बुलाने के लिए औरतों और बच्चों की बलि देते थे। अब वो नटैले की माँ क्लारा की भी बलि देकर नटैले के रूप में डेविल को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन चर्च में सिस्टर डेविल को वापस भेजकर नटैले को सुरक्षित इस दुनिया में ले आती है। और तभी से ही नटैले के पास में कुछ शक्तियाँ थी जो कि उसे जन्म से मिली थी। ठीक ऐसा ही एक और बच्चा था एबेल, लेकिन उसके अंदर डेविल जन्म ले चुका था, और इसीलिए सभी इस रिचुअल के बहाने उसी जगह पर आए जहाँ पर लोगों की बलि दी जाती थी। डेविल नटैले से एक बच्चा चाहता था क्योंकि वो एबेल के शरीर को पूरी तरीके से पजस नहीं कर पाया था, और डेविल बच्चे के रूप में इस दुनिया में आना चाहता था। नटैले डेविल के साथ में इंटरकोर्स तो करती है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से डेविल को शांत कर देती है, तो इसीलिए नटैले के पेट में जो बच्चा था वो डेविल का नहीं बल्कि एबेल का था। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि डेविल नटैले को चकमा देने के लिए एबेल के रूप में आया, और नटैले के पेट में बच्चा एबेल का नहीं बल्कि डेविल का ही हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं अगला वीडियो किस मूवी पर लेकर आऊँ ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।